नमस्कार दोस्तों, काफी लोगों की डिमांड पर मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। जो सॉन्ग है जरा जरा बहकता है, रहना है तेरे दिल में मूवी, उसका सीखने की हम कोशिश करेंगे। जो फ्लूट है जी बेस स्केल की है, जिस पर मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जो भी स्केल की फ्लूट हो आपके पास, हर फ्लूट पर सेम तरीके से बजना है ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। इसके अलावा मैं नोटेशंस इसके अपलोड कर चुका हूँ, जो मेरा ऐप है शिव्स म्यूजिक ऐप, वहां पर आप देखेंगे जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो सब सेक्शन खुलते हैं, नोट्स और ई बुक्स का। तो ई बुक्स के अंदर आपको इसके नोटेशंस मिल जाएंगे, पूरे मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इस ट्यूटोरियल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में जो इसकी धुन है, जो फेमस ट्यून है प्रील्यूड म्यूजिक, उसको मैं कराऊंगा आपको। और जब इस वीडियो पर 500 लैक्स हो जाएंगे, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप सीख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है आगे वाले पार्ट में, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम इसके सॉन्ग को सीखेंगे, जो इसके बोल हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी जो पार्ट फर्स्ट की वीडियो है, इसमें हम सिर्फ जो म्यूजिक है, जो इसका प्रीलिट म्यूजिक है, उस पर ध्यान देंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उसके एडमिशन भी चालू है, अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे उसके एडमिशन। तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे ऐप में भी कोर्सेज हैं काफी सारे, आप चाहो तो उसमें एनरोल हो सकते हो। तो एक बार मैं आपको धुन सुना देता हूँ, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे धीरे धीरे ना, आसान तरीके से। एक बार सुन लीजिए, फिर हम आते हैं उस पर। फेमस ट्यून है, आपने शायद सुनी होगी, कुछ इस तरीके से। मैं पूरी एग्जैक्ट तो नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत उससे सिमिलर बजाई होगी। इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, ओके? सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पर आते हैं। इसको बजाने के लिए आपको 6 होल क्लोज करके जो सरगम हम बजाते हैं वो आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं आती है तो उनको रिवाइज करा देता हूँ। ये सब मैंने अपने कोर्स में, जो फाउंडेशन कोर्स है, उसमें सब कुछ कराया हुआ है डिटेल में। 6 होल क्लोज करके आपको सा मानना है, फिर 1 होल उठाएंगे तो रे ग म प ध नी, नी पर सारे होल्स ओपन, नी पर सारे होल्स ओपन, और फिर सा, ठीक है? तो नी बजाने के लिए आप इधर से फिंगर रख सकते हैं, 2 फिंगर भी रख सकते हैं, 3 फिंगर भी रख सकते हैं, क्योंकि साउंड उसका चेंज नहीं होगा, है ना, सेम साउंड आएगा, क्योंकि पहले आवाज निकल जाएगी इन 3 होल से। तो इसलिए नी बजाने के लिए मैं ज्यादातर ये यूज करूंगा। ध्यान से देखिए, जो लास्ट होल है उस पर मैं क्लोज कर दूंगा उस फिंगर को। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है लो ऑक्टेव और मीडियम ऑक्टेव में, ठीक है? क्या कहा मैंने आपसे, सरगम आपको प्ले करना है लो ऑक्टेव और मीडियम ऑक्टेव में, और हम सा स्टार्ट करेंगे सभी 6 होल क्लोज करके। अब काफी लोगों को डाउट होगा कि सर ये तो आप गलत कह रहे हो, जो सा है अपना वो 3 होल क्लोज करके बताते हैं आप तो, है ना, वो होता है स्टैंडर्ड। लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोज का, मैंने आपको बताया था अपने लेसन में कि हम कहीं से भी सा मान सकते हैं, सा एक सिर्फ रेफरेंस टर्म है, उसको हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू आपकी कन्वीनियंस, हम उसको चेंज करते रहते हैं, ओके? तो इस सॉन्ग के लिए पर्टिकुलर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर हम देखते हैं किस तरीके से बजाना है। तो मैंने आपको सुना दिया है ऑलरेडी, तो एक बार सरगम फिर से सुना देता हूं, जो आपको प्रैक्टिस करना है लो ऑक्टेव और मीडियम ऑक्टेव। पहले लो ऑक्टेव, यह है लो ऑक्टेव में सरगम, सारे ग म प ध नी सा। अब आइए मीडियम ऑक्टेव में, जो मीडियम ऑक्टेव का जहां पर एंड हो रही है उसमें भी नी सेम तरीके से बजाएंगे, और फिर हाई ऑक्टेव का सा आएगा। तो सा हम जानते हैं सारे होल्स क्लोज करके प्ले कर रहे हैं, लेकिन हाई ऑक्टेव के सा के लिए आप जो फर्स्ट होल है उसको ओपन कर सकते हैं और बाकी सभी 5 क्लोज कीजिए, है ना। तो वो फ्लूट का लास्ट स्वर होता है, जो आप फ्लूट पर सबसे लास्ट स्वर निकाल सकते हैं हाई इंटेंसिटी वाला। तो इसके लिए आपको फर्स्ट होल ओपन करना है और 5 होल क्लोज करना है लास्ट वाले। फिर से सुनिए, अब अवरोह, तो इसलिए आपको बेसिक पर फोकस करना जरूरी है, और मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। पहले पार्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इस लेसन का दूसरा पार्ट है उसको भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 500 लाइक्स तक ये वीडियो ले जानी है, ताकि मुझे आपका इंटरेस्ट पता लगे, ओके? तो आइए शुरू करते हैं।
हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, फिर एक एक करके सीखते हैं। जो आपको उठाना है, जो म्यूजिक है उसका पहला स्वर उठेगा ग नोट से, ठीक है। ये था अपना सा, एक फिंगर हटाएंगे तो रे, एक फिंगर हटाएंगे तो ग। तो ग नोट से आपको उठाना है, सिंपल है, धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल आराम से। ग से आपको उठाना है, ग म ग रे सा नी, पहले इतना पार्ट करते हैं। फिर से देखिए, अब इसमें कहीं कहीं हरकत भी यूज हुई है, कहीं कहीं कड़ स्वर यूज हुए हैं, कहीं कहीं ऑर्नामेंटेशन जो अलग तरह के होते हैं वो यूज हुए हैं। तो अगर वो आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट, अगर ये सब सीखना चाहोगे तो ये गलत है, आपको डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना चाहिए। सरगम प्ले कीजिए, अलंकार प्ले कीजिए, कुछ ऑर्नामेंटेशन प्ले कीजिए बेसिक वाले, कण मींड स्वर ये सब प्रैक्टिस कीजिए, फिर उनको अप्लाई कीजिए जो भी आप सॉन्ग प्ले करते हैं उसमें। फिर से देखते हैं, आपको उठाना है ग नोट से, ग म ग रे सा नी। अब जो नी है वो लो ऑक्टेव पीछे की तरफ गया, सा नी। इसके बाद ग म ग रे सा नी, नी सा रे नी सा धा। अब यहां पर नी में आपको जो सेकंड हैंड है उसकी फिंगर्स रखी है मैंने, हटाई नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो साउंड है वो पहले निकल जाएगा, तो इसलिए आप इनको रखो या ना रखो बात बराबर है। मैंने रखा है अब फ्लूट के सपोर्ट के लिए और जो मूवमेंट है फिंगर्स का वो इजी हो इसलिए। ओके, फिर से सुनिए, जो सेकंड वाला म्यूजिक है वो भी सेम है, लेकिन जो हमने पहले अभी ग से स्टार्ट किया था अब आपको सारेगा करना है, ग की जगह सारेगा, फिर बाकी पीछे का पार्ट सेम एज इट इज। फिर से देखिए, पहले मैं पहला वाला पार्ट बजा रहा हूं, उसके बाद दूसरा बजाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे वाला पार्ट भी एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ उसमें दो स्वर ऐड कर दिए हमने, सा और रे। फिर से सुनिए, और दूसरी बार इतना हुआ। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, इतना पार्ट स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना है। अब इसके बाद आपको जब सुनेंगे धुन को तब आपको पता लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप जो आवाज है वो चढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब जो स्वर है वो भी आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको उठाना है लो ऑक्टेव का ध, यह सा, यह नी, यह ध, तो आपको ध से उठाना है, ध सा ध सा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ध सा ध सा ध सा। अब जो म्यूजिक में हाई वाला पार्ट है वो आपको ध नोट से उठाना है, जैसा बताया ध सा, ये वाला पार्ट है, ध सा रे ग, इतना पार्ट कीजिए, ध सा रे ग। उसके बाद इसके बाद सिंपल है, ग तक हुआ, इसके बाद प, ग प, ग के बाद म आता है लेकिन म नहीं लेना है आपको, ग के बाद सीधे प, ग प ध, फिर नी, और फिर वापस आना है। जो नी है वो इस म्यूजिक के लिए पीक पार्ट है, मतलब कि सबसे पतला वाला साउंड नी है इस म्यूजिक के लिए, है ना, जो अपन फेमस वाला म्यूजिक कर रहे हैं उस पार्ट के लिए नी जो स्वर है वो सबसे हाई है। फिर नी से आपको लौट के पीछे की तरफ आना है, नी ध प म ग, नी ध प म ग, ये करना है, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, ठीक है, म ग रे ग रे ग म रे सा नी, ठीक है,
रे सा नी, यहां पर आके आपको छोड़ देना है, जो म्यूजिक है यहीं पर खत्म हो रहा है। तो इसका जो आगे का पार्ट है जिसमें जो ओरिजिनल सॉन्ग है, जो मेन सॉन्ग है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना होगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको सच्ची में ये सॉन्ग सीखना है और आप सीरियस हैं इस सॉन्ग के लिए। ओके, तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं ऐप पर, या फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं गाइडेंस पर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।